देखो इतने लोग कुछ भावुक भी हो रहे, बीबियां भावुक हो रही ने, गलबात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस तरह लग रहा है इन्हों। विछड़न का रोन आता, एको परिवार पढ़ा के बैठे सी, एक थाली च खाते सके, पंगत बह के खाते, कट्ठिया पकाते सट्ठिया खाते सूँ। सानू ये पता लगता कि असं विछड़ चले हाँ, विछड़ चले हाँ, दूर दूर तो अं कट्ठे होए स। देख रहे हो कि तकरीबन समाप्ति हो गई है, और हुण जिहड़े साउंड सिस्टम बहुत समय तो इत्थे लगे हुए सीगे, कई महीनों तो आपां कह सकदे कि इत्थे लगाए गए सीगे, उन्हां नूं पैक करना शुरू कर दिता गया। स्टेज का समान, साल तो जिहड़ी स्टेज चल रही है उसका समान सामना शुरू कर दिता गया, और बड़े आपां कह सकते कि इतिहासक पल और एक इतिहास सिरज के इस स्टेज जा रही है। बहुत सारे बुलारे इत्थे आए, बहुत सारे लोग इत्थे आए जिहड़े शायद कि कदे जिंदगी दे विच कदे बोले नहीं होणगे, पर इस स्टेज ने उन्हां नूं बोलना सिखा दिता। इस स्टेज ने उन्हां नूं इह सिखा दिता कि किस तरह लोकां नूं लामबंद करना गा, किस तरह तुसीं अपनियां तकरीरां दे नाल लोकां नूं अपने हक दे विच खड़न वास्ते तुसीं मजबूर कर देना गा, और वह चीज़ां होईयां भी। इसे करके जदों इह स्टेज जिहड़ी इत्थों शुरू होई सीगी तां उदों लोग जुड़दे गए और एक वड्डा काफला बन गया जिसने अखीर दे विच इस संघर्ष दी जित कराई है। एक होर लोग साडे नाल ने, बई कित्थों आए तुसीं, की नाम है? मेरा नाम जी जसविंदर सिंह है, पिंड झोलना लुधियाना जिला। की कहना चाहुंदे हो संघर्ष की, हुण जिहड़ी जित लग रही है कि हो गई, हुण जा रहे हो वापस? वापस जावांगे, ये साडी एक छोटी जी जित आ जे कही जाए, क्योंकि जिहड़े हिसाब नाल साडे संयुक्त मोर्चे ने भी अज कहा वा कि हजे साडियां बहुत ज़्यादा जित्तां बाकी आ, क्योंकि 70-73 साल तो सरकारां साडी लुट खसुट करदियां आ रहियां, किसानी की भी, मजदूरां की भी, हर पासे की। हुण भी जो सानूं संयुक्त मोर्चा लाण देऊगा ये तो असीं पहरा देवांगे डट के आखिरी साह तक जी। देखो इतने लोग कुछ भावुक भी हो रहे, बीबियां भावुक हो रही ने, गलबात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस तरह लग रहा है इन्हों की, गल होगी माता जी क्यों रो रहे हो? विछड़न का रोन आता, एको परिवार बना के बैठे सी, एक थाली च खाते सके, पंगत बह के खाते, कट्ठिया पकाते सट्ठिया खाते सूँ। सानू ये पता लगता कि असं विछड़ चले हाँ, दूर दूर तो अं कट्ठे होए स, पता नहीं हुण मुड़ के कद मिलांगे। इस गल का विछोड़ा सानू जिहड़ा हुण सदा ही सतांदा रहूगा, ये विछोड़ा सानू विछड़न जी नहीं करता, सानू भावें होर साल बिठा छड़ा मोदी, अं बड़े खुश हाँ। हाँ की, और कित्थों आए सी तुसीं? मैं अंबरसर तो आई हाँ, नाम मेरा जसबीर कौर आ। ये कित्थों आए ने, इन्हां दा की नाम है? कन्ना लुधियाणा, 200 किलोमीटर का फर्क है, पर अज मैं फर्क मिट गए, साडे पंजाब दे फर्क मिट गए एक दूजे दे नाल। अज फोन नंबर भर के लैके चले हाँ, खुशियां गमी अज हाजिर होवांगे। इस तरह ही ये मावां का प्यार जो हुण सानू मिलिया है, नौजवानों नू एक छोटी जी बेनती आ प्यारे, हो जो इतों जो असीं लैके चले ना, मान सतिकार इस नू भुलना जायो, क्योंकि पंजाब साडा कितें ना कितें टुटिया होया सीगा, इतों जुड़ गया, मिट्टी नाल जुड़ चुके हैं, असीं मिट्टी नाल जुड़ के रहे हो। मेरा यही नौजवानों को संकेत आ, ये कदरां कीमतां, ये रस्मों रिवाज, ये प्यार, ये अपनत्त, सारे ये नाल लैके जायो इतों। किन्ने भावुक पल है, हालांकि इन्हां दी कोई सांझ नहीं आपस दे विच, कोई खूनी रिश्ते नहीं, पर इस अंदोलन ने अजिही देन दिती है आपस दे विच, इहो जिहा प्यार बना दिता कि अज हरेक दी अख नम नज़र आ रही है। तुसीं इधर देख सकते हो कि किन्ने भावुक एक दूसरे नूं मिल के हो रहे ने, क्योंकि हुण इन्हां ने वापस चले जाणा है। अज इस स्टेज तों ऐलान कीता गया कि वापसी हो रही है, अपने अपने घरां नूं जाओ, तुसीं अपना अंदोलन जिहड़ा उह फतेह हो गया, और उसे करके विछड़न दे दुख करके अखां दे विच हंझू ने। गलबात करदे आ, शायद भावुक हो के उह पूरन तौर दे उत्ते गल कर भी ना सकण, गल करदे आ। कित्थों आए हो तुसीं, की नाम है, क्यों भावुक हो रहे हो तुसीं? देखो तस्वीरां तुसीं आप ये बयान कर रही ने, असी पहला भी लोगों के नाल गलबात की, वह कहते कि असी पंजाब तो हाँ, हरियाणे तो हाँ, तो साडा आपस के इन्ना इतने प्यार बन गया कि हुण किसी जो कोई नौजवान है तो उन्होंने ये लगता है कि वड्डी उम्र की ये मेरी माँ आ, और भावुक बहुत हो रहे हैं। दोबारा इन्हां नूं कोशिश करांगे कि गस अंदोलन ने वो अपना हत्थ दिखा दी है, और अज उस दा ही सुनेहा ये बजुर्ग दे रहे हैं। माता जी की चीज़ां लगता कि इतों होर असी सीख के जा रहे हैं, अज क्यों लगता कि जिथे आपस दे विच खूनी जानते नहीं सा, तो यो रोन आ कि अं मुड़ के कब मिलांगे।
कभी सानू पता नहीं है, पता नहीं पिछले युग के मेल मिलाप कराते मोदी ने, नहीं तो हूँ सानू यो विछोड़े का ही आ कि जिन्ना प्यार प्रेम हर एक सानू मतलब कि यह गल की तंगी नहीं इतने आने दी इन्ह मेरे पुतों ने नौजवानों ने बहुत मेरे न करते रहे जानते नहीं तो वैसे नहीं जानते ना 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 कोई जानते ना मैं इन्होंने जानती ना ये मैंने जानते जो इतने स्टेज पर आए इन्होंने मैं गाड़ी बैठी वेख के आ के जफ्फी पा लेनी कि माता कितों आई हाँ किस तरह मैं दसना इन्हें रोजाना ही सवेरे शाम को जान लगे मैं जफ्फी पा के मिल के जाना ये साड़ी माँ वा अज मेरिया मावं तो मेरिया भैन ये संयुक्त मोर्चे ने मैनू घर वाला प्यार दिता है अज मेरिया मावं तो अज जो परिवार साडा विछड़ना है अज उहदा सानू भी दुख आ ते जितदा भी सानू जितदे भी बहुत चाह वा आ जिहड़ा परिवार संयुक्त मोर्चे ने बनाया सी इह कदी नहीं मिल सकदा आए कितों सीगे ना की है तुहाडा मेरा गुरदासपुर जिला है मैं पिंड शिकार माशिया तो आया हुआ इतने मिले किमें माता दे नाल किमें मेल होया मेरी एक जूनियर भारतीय किसान यूनियन पंजाब का मैं सीनियर मीत प्रधान पंजाब का यूथ लीडर हाँ इस माँ मैं डेली इतने देखदा जिहड़ा प्यार इस मावं तो मिले मैं होर कितों नहीं मिले अज तक मेरे माता जी गुजर गए ने मेरे वड्डे पापा ने अज वो नहीं प्यार दे सकते ज अज इन्हां ने मैं अपना असली माँ प्यो वाला प्यार दिता मिलते रहो हाँ जी जिथे साड़ी माँ मेरी जिथे भी दुई हैगी मैं उन्होंने मिल के आऊँगा अज जिहड़ा प्यार सानू ये परिवार जिहड़ा जिथे जिथे मिलेंगे असं इकट्ठे होकर मिलेंगे सारे माता जी तुसी की कहने हो जिहड़ी गल्लां ये कह रहे हैं कि ठीक है वाकई ओह गल्लां बिल्कुल ठीक है भी जी बहुत ठीक है भी ये प्यार वाली गल हुण मिलनी नहीं गी बहुत प्यार सी साडा सारिआं दा भाईचारे दा बहुत प्यार नाल सारे रहे देखो कि हाले भी अखां दे विच हंझू सीगे और भावुक हो रहे ने गलबात दुबारा करन दी कोशिश करदे आ देखो उही यही चीज़ हुंदी आ अपनत्त दी गल यही है जिहड़ा असीं कह रहे सी कि खून दे रिश्ते नहीं पर फिर भी आपस दे विच अजिहा प्यार पिया कि अज विछड़न लग्या अखां दे विचों हंझू भी आ रहे हैं और बोलन लग्या भी भावुक हो रहा बोलिया भी इन्हां तों नहीं जा रहा दुबारा कोशिश कर लैंदे आ माता जी हौसला करो क्यों रो रहे हैं दसो इदां दे नाल गल करो क्यों पुछो क्यों भावुक हो रहे ने क्यों भावुक हो रहे हो क्यों रो रहे हो ना दसोगे अपना नाम की है कितों आए नहीं गल हो रही दो घंटे सफर करिए ना तो ओनू भी याद करीदा असी एक साल भर इतने कट्ठे रहे हैं सानू कित तरह भुल सकता ये संघर्ष सानू भुल नहीं सकता जिन्ना सानू प्यार प्रेम मिलया ना सानू एक कदी भी जिन्ना चिर मैं मड़ी च नहीं जाती उन्ना चिर मैनू तो नहीं भुलूगा होर किसी का मैनू पता नहीं इन्ना भावुक क्यों हो रहा क्यों इन्ना रो रहे किस तरह मिले तुहानू मेरे नाल कट्ठी रही आ हैं ते हुण मेरे नाल ते इन्हें मेरा भी मन सगो इस तरह कर दिता अरदास ते विछड़ा ते एक इत्थे होर छोटी जी बच्ची वाली बीबी आ बई मतलब ते उहदा साडा बहुत प्रेम प्यार बनिया उह कल भी मैनू आंदी रही आ मैं तेरी रोटी करनी आ अज भी आंदी रही टाइम नहीं मिलिया हुण कल नूं उहदे घर जरूर जाना वा तो उहदी भी शरदा भावना पूरी करूँगी फुलका पकावे किस तरह करे है ते बई आनी है वैसे पर उहदी बच्ची नाल साडा बहुत प्रेम पै गया साल कि बच्ची आ भज्जी फिरदी साडी गोद मैनू दादी दादी करदी फिरदी रहिंदी आ ते उहदा भी अखां च हंझू आए आ कि हुण तुहां चलिया जाणा मेरी बेटी दा जी नहीं लगणा मगरों ਦੱਸੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਹੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਲਾ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਪੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਗਾੜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਸਖਾਨਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਖੜਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰਦੀ ਆ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲਟਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਪਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਤੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਹੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਣਤੋਲਿਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 26 ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 10 ਦਿਨੀ 15 ਦਿਨੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਝੁਕਣਾ ਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾਹਿਬ।